उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी ताकतों पर लगाम कसने के लिए नकल विरोधी कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों भर्ती परीक्षा घोटाले के खिलाफ युवाओं की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आलम यह है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिस पर सीएम धामी ने अपना दुख भी जाहिर किया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को अनुमोदन किया है। सीएम धामी के अनुमोदन पर राज्यपाल भवन की ओर से 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लागू हो जाने के तहत अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधन तंत्र, कोचिंग संस्थान में से कोई भी अनुचित कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संपत्ति कुर्क करने की भी हो सकती है सजा। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा 2023 के तहत अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए परीक्षा से बाहर करने और दोष सिद्ध होने की दशा में 10 वर्ष के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर परीक्षार्थी दोबारा नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 वर्ष की सजा और आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुचित तरीके से अर्जित की गई उसकी संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है। हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियाँ करें, उन तैयारियों में लग जाएँ और सभी परीक्षाएँ पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी, नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी ताकतों पर रोक लगाने के लिए ऐसे समय कानून लाया गया है जब राज्य में हजारों की तादाद में युवाओं ने जगह जगह पर इकट्ठा होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के विरोध में अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध में शामिल परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सीएम धामी की युवाओं से अपील। परीक्षार्थियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आए। सरकार राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि हमने किसी भी भर्ती घोटाले को ना ही दबाया है ना ही छुपाया है। नकल के जितने भी मामले सामने आए उनकी जांच कराकर दोषियों को जेल भेज दिया गया है। सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून लागू होगा। विरोध प्रदर्शन के बीच बेरोजगार संगठन की मांग। राज्य सरकार के खिलाफ प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए युवाओं की ओर से प्रदर्शन में बेरोजगार संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। बेरोजगार संगठन के शामिल सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में नकलचियों के नामों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। आयोग ने अधिकारियों कर्मचारियों की भी निष्पक्ष जाँच हो इसकी मांग की। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में भर्ती धांधली की CBI की जाँच की मांग की। नकल विरोधी कानून के लागू होने तक कोई भर्ती परीक्षा ना हो और 12 फरवरी को होने वाली पटवारी परीक्षा को भी टालने की मांग उठाई है। फिलहाल उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से नकल विरोधी कानून के लागू किए जाने के बाद ऐलान किए जाने के बाद अब जो भी भर्ती परीक्षा होगी उनमें पारदर्शिता देखी जाएगी, इसका दावा सीएम धामी ने किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने ये भी कहा है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं पहले उनकी जांच होगी और नकल माफिया को गिरफ्तार कर परीक्षाएं रद्द की और परीक्षाओं की नई तिथि भी घोषित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।